मॉडल, सुपर कंडक्टिविटी में फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है एंड व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल. तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है सुपर कंडक्टिविटी का. तो अकॉर्डिंग टू द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटल्स, मेटल्स की बात करें, द रेजिस्टिविटी ऑफ मॉडल मेटल में बी रिटर्न एज, तो जो उसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी को, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टो. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल. एम क्या है यहां पे, एम जनरल सी कंडीशन है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, एम इज द मास, क्लियर. एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी पर यूनिट वॉल्यूम में. और टो, टो क्या है, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, जो जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं तो वो एवरेज हो जाता है, एवरेज टाइम. तो यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें तो क्लियर दिखाई देता है, इट इज क्लियर दैट कि रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इज लोअर्ड. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को लो करते जाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी गिरती जाएगी. बिकॉज एज टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, लेटिस वाइब्रेशन भी सीज होते जाएंगे. वैसे क्या है, जब गर्मी मिलती है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के, उसकी काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो क्या है, मॉलिक्यूल्स भगेंगे, उनमें स्पीड होगी, उसमें काइनेटिक मोशन होगा. बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर को लो करते जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेज, लेटिस वाइब्रेशन बिगन टू फ्रीज, धीरे धीरे सीज होते जाएंगे, एंड हेंस द स्केटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रॉयज. जो इलेक्ट्रॉन का स्केटर्ड हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा. तो क्या होगा, दिस रिजल्ट इन ए लार्जर टो, तो क्या है, एवरेज टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, एंड हेंस द स्मॉलर रेजिस्टिविटी रो. इफ एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन जो है तो बिकम इनफाइनाइट हो जाए, बहुत देर बाद आए, इनफाइनाइट टाइम हो जाए, सफिशियंटली लो टेम्परेचर, क्या होगा, देन रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी, विच इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल होता है. तो इन दीज मटेरियल्स ए फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव इनफाइनाइट कोलिजन टाइम, हेंस दीज इलेक्ट्रॉन डू नॉट अंडरगो स्कैटरिंग इवन दो द सबस्टेंस में कंटेन सम इम्प्योरिटी. यदि इनमें इम्प्योरिटी भी मिला दी जाए फिर भी ये क्या होंगे, या डिफेक्ट हो फिर भी वो सुपर कंडक्टिविटी स्टेज में चले जाते हैं. तो इट इज दीज इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर कंडक्टिविटी. तो दिस इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल. तो इसी को कहता है सुपर कंडक्टिविटी का फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल. तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को यदि हम बिल्कुल ब्रीफ में समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जब किसी भी मेटल के आयन को, मेटल को धीरे धीरे कूल किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन का जो वाइब्रेशन, लेटिस वाइब्रेशन, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, सीज होने लगता है वाइब्रेशन, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर उनके वाइब्रेशन बिल्कुल सीज हो जाते हैं. दैट बिकम द रेजिस्टिविटी बिकम जीरो. कोलिजन नहीं होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, दैट बिकम सीज, तो क्या होगा, दोनों के बीच कोलिजन का टाइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा. जब जब टाइम लार्जर हो जाएगा नीचे का जो दिखाई दे रहा है आपको, तो रो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल. अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बिहा पे हमको दिखाना है कि क्रिटिकल फील्ड क्या है, व्हाट इज क्रिटिकल फील्ड. तो हम सबसे पहले क्रिटिकल फील्ड के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे कि वो ग्राफ प्लॉट शो करेगा कि क्रिटिकल फील्ड होता कैसे है. हियर दिस इज फर्स्ट क्रिटिकल फील्ड के लिए, दिस इज टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम इधर मेंशन कर रहे हैं, ओके, दिस इज द ग्राफ. तो ये जो स्टेट है दैट इज ए नॉर्मल स्टेट, जो नॉर्मल है, और दिस इज जो ग्राफ के अंदर है, दिस इज अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है, ये उसको बोलते हैं फेज बाउंड्री, यानी दिस इज द क्रिटिकल टीसी, ओके, दिस इज एच नॉट, ये क्या है, एच सी क्रिटिकल फील्ड है.
तो क्रिटिकल फील्ड क्या है? क्रिटिकल फील्ड एक्चुअल में एक द मिनिमम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी एंड रीस्टोर द नॉर्मल रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल फील्ड। एक इतना मिनिमम हम मैग्नेटिक फील्ड जिसको अप्लाई करने से कोई सुपर कंडक्टिव मटेरियल अपने नॉर्मल मटेरियल में चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं, उस फील्ड को हम बोलेंगे क्रिटिकल फील्ड, समझ गए। तो कैमेलिन ओन्स ऑब्जर्व दैट कि सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्ट्रॉय इफ सफिशियंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। यदि हम सफिशियंट एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो वो क्या होगा, अपने सुपर कंडक्टिविटी को छोड़ के नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। या हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल रीस्टोर इट्स नॉर्मल रेजिस्टेंस व्हेन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई। जब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो एक सुपर कंडक्टर नॉर्मल स्टेट में आ भी सकता है, उल्टा भी हो सकता है। नॉर्मल क्या कहते हैं जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में भी आ सकता है, राइट। तो द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, हमने इसलिए कहा था मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड विच इज नेसेसरी टू रिगेन द नॉर्मल रेजिस्टिविटी, अपने नॉर्मल रेजिस्टिविटी में आ जाए तो हम उसको बोल देते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एच सी, जैसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर लिए थे टीसी, उसी हमारे से ये एच सी है, कहीं कहीं बीसी भी लिखा जाता है। इफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू, यदि इस क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज डिस्ट्रॉय। तो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है ये है ट्रांजिशन टेम्परेचर और ये क्रिटिकल टेम्परेचर, यहां से यदि इस टेम्परेचर से यदि आगे चला जाएगा तो वो चेंज हो सकता है, यानी व्हेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सीड कर जाए क्रिटिकल वैल्यू से, यानी सुपर कंडक्टिंग स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मटेरियल गोज इनटू द नॉर्मल स्टेट। तो हमको एक ग्राफ में दिखाई दे रहा है। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए हमको पता है कि एस सी जो होता है, एस सी यानी कि क्या है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एज टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे एस सी डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए एक जो कर्व जो बनता है दैट कर्व इज आपको दिखाई दे रहा है पैराबोलिक कर्व के रूप में है। तो पैराबोलिक जो कर्व आया उसके एक हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले के द्वारा एच सी इज इक्वल टू एच नॉट। एच नॉट क्या क्रिटिकल फील्ड है, ठीक है, एट जीरो डिग्री केल्विन पे, वन माइनस टी अपॉन टी सी स्क्वेयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, द फील्ड हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कब मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, एच नॉट एट टी, जब जीरो केल्विन पे होगा, यानी कि जब हम बात करेंगे टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन तो एच सी इज इक्वल टू एच नॉट, जो हम फॉर्मूला लेके चल रहे हैं वन माइनस टी की जगह हम जीरो रख दिए तो जीरो आ गया अपॉन टी सी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एच नॉट। अब यदि टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो जाए एट टी इज इक्वल टू टी सी, तब क्या होगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी, एच सी इज इक्वल टू एच नॉट वन माइनस टी सी स्क्वेयर अपॉन टी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इक्वेशन इस इज द इक्वेशन जो सेकंड है, दैट इज द फेज बाउंड्री बिटवीन नॉर्मल एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो वंस अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन, व्हाट इज द क्रिटिकल फील्ड, द मिनिमम अप्लाइड फील्ड नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी एंड रीस्टोर द नॉर्मल रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल फील्ड। तो क्रिटिकल फील्ड क्या है।